हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट 6, ओके, एक्सरसाइज 6A। फर्स्ट टाइम इन दिस चैप्टर, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ओके। एक्सप्लेन हम करते हैं आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स। आपको 6A में जो सॉल्यूशन है वो फैक्टर और मल्टीपल के एक बेसिस पे क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स होते क्या हैं। फैक्टर, ए नंबर विच डिवाइडेड ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर। ए नंबर विच डिवाइडेड ए गिवन नंबर, ओके। जैसे एग्जांपल में कोई 8 आपको एक नंबर गिवन है, ओके। तो अब ऐसा कोई नंबर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइजेबल कर दे तो उसी को हम क्या कहेंगे, वो फैक्टर है, वो किसका, गिवन नंबर का, ओके। जैसे अगर हम इसमें देखें 2 का डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली 2 4 8, ओके, कैंसिल। तो 2 क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे एक 4 है, 4 हम अगर डिवाइड करते हैं तो 1 से भी कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से नहीं होता, 3 आपका नहीं होगा, ओके। फिर उसके बाद 4 से डिवाइजेबल कम्प्लीटली हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर ऑफ 4 1 2 4, ओके। फैक्टर ऑफ 3 1 से होगा, 3 से होगा, ठीक है ना। तो ये फैक्टर, फैक्टर ए नंबर विच डिवाइडेड ए गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड ए फैक्टर, ठीक है ना। अगला है टॉपिक्स आपका मल्टीपल्स। मल्टीपल्स, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर, ओके। आपको कोई नंबर अगर दिए गए हैं, ठीक है ना, अगर उसमें हम नेचुरल नंबर से किसी अदर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमको नंबर्स मिलते हैं वही मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपके पास 4 है, 4 में किसी दूसरे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, 1 इज ए नेचुरल नंबर, 4 1 4, तो यही हमारा 4 क्या हो गया है, मल्टीपल हो गया 4 का। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 into 2 4 2 8, ये आपका 4 का सेकेंड मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। मल्टीपल मतलब आप एक दूसरे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते जाइए, आपको मल्टीपल देते जाएंगे उस नंबर का, ओके। ये आपका फैक्टर है और मल्टीपल। फैक्टर में क्या होता है कि ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइजेबल कर दे तो उसी नंबर को हम क्या कहेंगे, फैक्टर। मल्टीपल में एक गिवन नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो नेचुरल नंबर से होता है, किसी भी नेचुरल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपको आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है ना। ये फैक्टर और मल्टीपल्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्यूशन होगा, और सभी से मैं दो दो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इसी को आप बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ लीजिएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स, आ गया ना क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर, देखिए जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आया 15 है, 15 का आपको सभी फैक्टर्स बताने, यानी 15 ऐसे नंबर बताने जो 15 को एग्जैक्टली डिवाइजेबल कर दे, ठीक है ना। देखिए इसका भी एक ट्रिक है निकालने का, अगर आप इस तरीके समझेंगे, देखिए 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 तो आपको सब में लिखना होता है, 1 हो गया, फिर 2 से नहीं हुआ, ओके। अगला नंबर आता है 3, 3 से अगर डिवाइड करते हैं कंप्लीटली हो जाता है, 1 हो गया, 3 हो गया, ओके। अगेन 5 हो जाएगा और 15 होगा। और अगर इसको ऐसे निकालना, देखिए इसको इस तरीके बना लिया करिए, 1 multiply 15, यानी 1 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया, ओके। फिर उसके बाद 2 से नहीं होगा, 3 into 5 3 5 सा देखिए 15 आ गया, ओके। आगे चलिए आप 4 5 5 into 3, तो 5 3 देखिए यहीं पर है, यानी जहां पे ये रिपीट हो जाएंगे वहीं पे रुक जाइएगा। अब आपको ये 4 नंबर्स मिले हैं, देख रहे ना, ये 4 नंबर, अब यही 4 नंबर आप इसको राइट कर लो। 4 नंबर राइट करने का मतलब पहले 1 3 5 15, ऐसे इस तरीके, ओके, क्लियर। अब इसी तरीके आप किसी भी नंबर को आप निकालेंगे, कोई भी आपका डिजिट मिस नहीं होगा, जहां से रिपीट होगा वहीं पर स्टॉप कर लेना, और बाकी सभी नंबर को आप इस तरीके फैक्टर में राइट कर देना। तो 15, ऑल फैक्टर ऑफ 15, 1 3 5 15। 28 का भी आप समझ लीजिए, देखिए फर्स्ट टाइम 1 into 28 करिए, क्लियर। 1 और 28 का फैक्टर है, 2 से करिए, 2 14 जा 28, ओके।
अगेन थ्री, थ्री के टेबल्स नहीं होगा, थ्री फोर में आइए, फोर से बन जाए, फाइव से नहीं होगा, सिक्स 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 के टेबल में भी नहीं होगा, सेवन फोर जब देखिए रिपीट हो गया, तो बस यहीं तक पे होगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि अगला होगा आपको सेवन फोर जा, और सेवन फोर जा यहाँ पे तो आपने किया हुआ है, जहां से ये रिपीट होगा वहीं से आप स्टॉप कर लेंगे, ओके। तो इसका फैक्टर आपका क्या क्या हो गया, वन टू फोर सेवन फोर्टीन एंड ट्वेंटी एट, ये फैक्टर हो गया, क्लियर। इस तरीके आप क्वेश्चन वन को सॉल्व करिएगा, जहां भी जो भी प्रॉब्लम हो उसे आप पूछिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द नेक्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए अब यहाँ पे आ गया मल्टीपल्स, अब मल्टीपल्स अभी मैंने बताया, मल्टीपल्स नंबर हम किसी भी गिवन नंबर का मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं, हमको मिलता चला जाता है। जैसे ये 13 है, 13 का नेक्स्ट थ्री निकालना है, यानी 13 वन जा 13 तो हो गया, 2 जा आप कर लीजिए, 13 2 जा 26, 13 3 जा और 4 जा 52, ओके। यानी 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 4 से, सेम इसमें भी यही चीज करिए आप, 2 जा 54, 3 जा 81 और 4 जा 108, देखिए 178 8 टू 10, ये आपका हो गया 1 2 3 मल्टीपल्स, ओके। इस तरीके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चेक इफ द नंबर इन द बॉक्स इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। आपको ये चेक करना है कि जो बॉक्स का नंबर यानी फर्स्ट नंबर फैक्टर ऑफ ए सेकंड नंबर, आपको ये बताना है कि 6 इज ए फैक्टर ऑफ 91, यस और नो, ओके। तो हम इसको देखिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया, डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइजेबल हो गया, तब तो ये यस, नहीं तो नो, आप डिवाइड कर दीजिए। 6 का 91, 6 वन जा 6, 6 फाइव जा 30, देखिए एग्जैक्टली डिवाइजेबल ये नहीं हुआ, इसमें एक रिमाइंडर भी आ गया, ठीक है ना। और जब रिमाइंडर आपका आ जाता है तो यानी ये क्या होगा, नो, सो दैट नो, नो, ओके। नो के आगे क्या लिखिए, 6 इज नॉट नॉट ए फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 91, ओके, ये आपको हो गया। सेकंड देखते हैं, 5 का 135 में आप डिवाइड कर दीजिए इस तरीके, 5 टू जा 10, 5 सेवन जा, कैंसिल हो गया, एग्जैक्टली देखिए डिवाइजिबल हो गया, तो इसे क्या करेंगे, यस यस 5 इज ए फैक्टर ऑफ 130, ओके। इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, जहां पे जो भी प्रॉब्लम हो उसे पूछेगा, ओके, थैंक यू।